नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। मेरे इस चैनल मैकेनिकल माइंड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं फूड मैकेनिक्स एंड फूड मशीनरी का चैप्टर 5 का वीडियो सीरीज, और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओरिफिस के बारे में। ओरिफिस एक छेद होता है जो किसी टंकी में बना होता है, उस टंकी के दीवार में या उस टंकी के तली में बना होता है, जिसकी सहायता से उस टंकी में भरे हुए पानी को हम या किसी भी द्रव को बाहर निकाल सकते हैं। आज का टॉपिक है कि उस ओरिफिस से हम पानी को या द्रव को बाहर निकाल रहे हैं, तो टंकी में भरा हुआ द्रव जो भरा हुआ है उसको ओरिफिस से बाहर निकालने में कितना समय लगेगा, है ना, कितना समय लगेगा, इसका कैलकुलेशन आज देखेंगे। तो आज का टॉपिक है टाइम ऑफ इम्पटिंग अ टैंक थ्रू एन ओरिफिस एट इट्स बॉटम, है ना। किसी टंकी के नीचे में एक ओरिफिस लगा है, और उसके नीचे में मतलब उसकी तली में एक ओरिफिस लगा हुआ है, और उसकी सहायता से उस टंकी में भरे हुए द्रव को खाली करने में, एम्प्टी करने में कितना समय लगेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम मान लेते हैं कि एक टंकी हमारे पास है इस तरीके से, है ना, और ये जो एनालिसिस में बता रहा हूँ किस तरीके की टंकी के लिए है, ऐसे टंकी के लिए है जिसके अलोंग दी हाइट या गहराई के अनुदिश आप जाएंगे तो उसका एरिया जो होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब जैसे सिलेंड्रिकल ड्रम हो गया, बेस पे रखा हुआ है, या बॉक्स टाइप का कोई टैंक हो गया, इस टाइप के टंकी के लिए ये एनालिसिस आपको उपयोगी होगा। ठीक है, जैसे स्फेरिकल शेप में गोलाकार टंकी है या सिलेंड्रिकल टंकी को लेटा के रख दिया गया है, तो ऐसे टंकी जिसका गहराई के साथ में एरिया चेंज होगा, है ना, कौन सा एरिया, ये गहराई के साथ ये एरिया चेंज होगा, उसके लिए एनालिसिस नहीं है। ये केवल ऐसे टंकी के लिए जिसका गहराई के सापेक्ष, है ना, ऊपर या नीचे हम जा रहे हैं उसके सापेक्ष ये एरिया जो है कांस्टेंट हो, उसके लिए ये एनालिसिस है। तो मान लो हमारे पास एक टंकी है इस प्रकार से, ठीक है, जिसके नीचे एक ओरिफिस लगा हुआ है, ये तली है और ये यहाँ पे ओरिफिस लगा हुआ है, ठीक है, ये टंकी की दीवार है, दिस इज ओरिफिस। इस टंकी में मान लो यहां तक कोई द्रव भरा हुआ है, ना, ये यहां तक ये द्रव भरा हुआ है, तो ये ऊंचाई हम मान लेते हैं कि यहां तक ये ऊंचाई कितना है, तली से H1 की ऊंचाई तक ये कोई द्रव जो है भरा हुआ है। ठीक है, अब जब ये ओरिफिस से पानी को हम बाहर निकालते हैं तो किसी निश्चित गहराई पे ये आता है, या हो सकता है पूरा खाली करे, या मान लो हम लोग एनालिसिस के ले रहे हैं कि यहाँ इस तली तक उसको खाली करना है, है ना, तो ये जो गहराई है तली से ये कितना है, H2 गहराई तक हमें खाली करना है। ठीक है, तो पहले लेवल H1 था, अब खाली करने के बाद हो गया H2, तो यहाँ से यहाँ तक लेवल लाने में कितना समय लगा ये अगर कैलकुलेट कर ले, तो H1 पूरा खाली करने में कितना समय लगेगा ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमारे पास ये टंकी का ये एरिया पता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया या तली का एरिया, ऊपर से नीचे जाएंगे तो मान लो कैपिटल A इसका एरिया है, एरिया ऑफ टैंक है, इसमें एक ओरिफिस लगा हुआ है नीचे इस तरीके से, और इसका एरिया भी हमें पता रहेगा, मान लो स्मॉल A है, इट इज द एरिया ऑफ ओरिफिस, ओरिफिस का क्षेत्रफल है जो नीचे तली में लगा हुआ है। ठीक है, इसमें H1 ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, तो ये इनिशियल हाइट ऑफ लिक्विड है, है ना, प्रारंभिक ऊंचाई है पानी का ऑफ द लिक्विड जो टैंक में भरा हुआ है, है ना, इसको हमने खाली किया है H2 गहराई तक, यहाँ तक, तो इट इज द फाइनल हाइट ऑफ लिक्विड इन द टैंक,
और ये यहाँ से यहाँ तक खाली करने में कितना समय लगा, मान लो टी समय लगा, इज द टाइम इन सेकेंड फॉर द लिक्विड टू फॉल H1 to H2, है ना, H1 से H2 में आने में टी समय लगा सेकेंड में, क्योंकि जो टाइम हम लोग लेते हैं डिस्चार्ज कैलकुलेशन में वो सेकेंड में होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में होता है, इसलिए टाइम हम सेकेंड में ही यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता है, तो H1 से H2 आने में टी समय लगा, ये हमें कैलकुलेट करना है कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, हम इस तली से एक ऊंचाई मान लेते हैं, छोटा सा ऊंचाई, एक ऊंचाई मान लिए, मान लो h ऊंचाई है, h ऊंचाई पर लिक्विड है, है ना, और यहाँ से हमने ओरिफिस को ओपन करके खाली किया, कितना नीचे खाली किया, डेल एज गहराई तक हमने खाली किया। ठीक है, तो ये डेल एज गहराई खाली करने में कितना समय लगा, मान लो डी टी समय में हमने इसको खाली किया, डेल एज गहराई को। ठीक है, तो ये डेल टी अगर हम कैलकुलेट कर ले तो यहाँ से यहाँ तक कितना खाली समय लगेगा खाली करने में, इतना वॉल्यूम ये हमें पता चल जाएगा। तो ये छोटे से स्मॉल वॉल्यूम का हम कितना टाइम लगेगा ये पहले कैलकुलेट करेंगे, उसको फिर इंटीग्रेट करके हम पूरे वॉल्यूम को खाली करने में लगा समय को हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, लेट एट एनी टाइम द हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम ओरिफिस इज स्मॉल h, है ना, ये ओरिफिस से स्मॉल h में गहराई क्या है, h गहराई पे हमने लिया, एंड लिक्विड सरफेस फॉल बाई अ स्मॉल हाइट, कितने हाइट तक नीचे गिरा, डेल एच एट अ टाइम डेल्टी टाइम में इतना गहराई नीचे गिरा, डेल एच नीचे पानी जो खाली हुआ। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम पानी खाली हुआ ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आयतन, कितना आयतन पानी खाली हुआ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लेविंग दी टैंक, है ना, टैंक से कितना वॉल्यूम पानी खाली हुआ इन टाइम डेल्टी, डेल्टी टाइम में कितना वॉल्यूम पानी खाली हुआ ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एरिया ए है और डेल एच है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए इंटू डेल एच, इतना वॉल्यूम पानी डेल्टी समय में खाली होगा। ठीक है, अब ये जितना वॉल्यूम पानी खाली हुआ है, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ ओरिफिस में कितना डिस्चार्ज हो रहा है, विसर्जन क्या हो रहा है, तो विसर्जन हम ओरिफिस का कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअल विसर्जन क्या होगा, एक्चुअल डिस्चार्ज थ्रू ओरिफिस, ओरिफिस से एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होता है, क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू होता है सी डी इंटू क्यू थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हमें पता है क्या होता है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज ओरिफिस का एरिया ए इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी, और ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी भी हमें पता है क्या होता है, सी डी रूट टू जी एच स्मॉल एच, यहाँ पे स्मॉल एच के लिए हम ले रहे हैं इसलिए वेलोसिटी स्मॉल एच रहेगा। ठीक है, हमने एच गहराई तक माना हुआ है उसके लिए, तो ये एक्चुअल क्या है, डिस्चार्ज है जो ओरिफिस से होगा, तो ये जो होता है वो मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है यूनिट, है ना,
तो वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें कितना समय में डिस्चार्ज हुआ डेल्टी में, तो ये वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड थ्रू ओरिफिस इन टाइम डेल्टी, डेल्टी समय में कितना वॉल्यूम बाहर आएगा ओरिफिस से, समय को आप कैलकुलेट कर दीजिए यहाँ इस इक्वेशन में। यह हो जाएगा सी टी ए रूट टू जी एच इन टू डेल्टी। तो जितना वॉल्यूम डेल्टी में बाहर निकला ओरिफिस से, उतना ही वॉल्यूम पानी जो है वहाँ ऊपर जो है खाली होगा। ये और ये वाला जो वॉल्यूम है क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लीविंग द टैंक, टैंक से जितना पानी खाली हुआ वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड थ्रू ओरिफिस, ओरिफिस से जितना वॉल्यूम पानी बाहर निकला इसके बराबर। ठीक है, तो ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम जो है क्या है, बराबर होगा। फाइनली ये क्या मिलेगा, ए इंटू डी एच इज इक्वल टू ए, टंकी में पानी खाली हुआ, इंटू सी डी इंटू ए इंटू रूट टू जी एच इंटू डी टी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये गहरा देखिए, ये वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, जैसे ये वॉल्यूम डेल एच का मान बढ़ते जाएगा, गहराई कम होगा तो ये एच का मान कम होगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। ठीक है, तो टोटली ये खाली जो वॉल्यूम हो रहा है वो डेल्टी पे डिपेंड करता है, और ये ओरिफिस के एरिया पे, जितना ज्यादा ओरिफिस का एरिया कांस्टेंट है तो फाइनली जितना समय बढ़ता जाएगा उतना ये वॉल्यूम कम होगा, सॉरी ये वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन हम देखेंगे कि गहराई जो है एच जो है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इसलिए ये वाला जो टर्म है यहाँ पे ए माइनस डी माइनस डी एच रखना है, ए इंटू माइनस डी एच। ये माइनस डी एच क्या कर रहा है, जैसे जैसे गहराई खाली होगा है ना, ये वाला गहराई आपका बढ़ेगा, डेल एच गहराई बढ़ेगा, वैसे वैसे एच का मान जो है कम होते जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये निगेटिव टर्म्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमें डेल टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ए डी डेल एच अपान सी डी ए इंटू रूट टू जी एच, ये मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग एबोव इक्वेशन। तो ये डेल टी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, पहले इनिशियल टाइम जीरो था, फिर फाइनल टाइम टी, टी हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा। वैसे यहाँ पे वेरिएबल का है क्या है, ये स्मॉल एच है, बाकी तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये एच वेरी करेगा, एच कहाँ से वेरी करेगा, एच वन से एच टू तक है ना। तो एच वन फाइनल था ना, इनिशियल था, एच टू फाइनल है, तो ये एच वन से एच टू तक वेरी करेगा। तो लिमिट के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये टाइम के लिए लिमिट हो जाएगा जीरो टू टी, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए डी डेल एच सी डी ए रूट टू जी एच, और यहाँ पे अपर लिमिट होगा एच टू, लोअर लिमिट होगा एच वन, क्योंकि एच वन से एच टू वेरी कर रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पे केवल एच जो वेरिएबल है बाकी कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म आप बाहर निकाल सकते हैं, तो इसमें माइनस ए बाहर निकलेगा, सॉरी ये माइनस ए सी डी ए रूट टू जी ये बाहर निकल जाएगा, बचेगा अंदर एच टू एच वन इंटीग्रेशन, ये अपान में है तो इसको हम लोग एच माइनस एच टू दी पावर माइनस वन बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, ये एच का रूट एच है तो ये पावर वन बाई टू हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस एच बाई
एच टू द पावर माइनस 1/2 होगा, और ये डीएच, डीएच के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये डी टी को इंटीग्रेट करने से यहाँ पे 1 है ना, तो ये 1 का डी टी के सापेक्ष आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी आएगा, और टी माइनस 0 तो ये फाइनली टी आपको मिलेगा। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ए सी डी ए इंटू रूट टू जी, यहाँ पे एच माइनस एच टू द पावर माइनस 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, स्मॉल एच का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपान माइनस 1/2 प्लस 1, और ये लिमिट है अपर लिमिट एच टू लोअर लिमिट एच वन। फाइनली इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ए अपान सी डी इंटू ए इंटू रूट टू जी इन ब्रैकेट, ये एच टू का वैल्यू रखेंगे आप तो एच टू का पावर 1/2 अपान 1/2 माइनस एच वन का वैल्यू रखेंगे, एच वन का पावर हाफ 1/2 अपान 1/2, इस तरीके से ये वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये वैल्यू आपको मिलेगा, माइनस को अंदर ले जाइए तो ये वैल्यू आपको मिलेगा ए इन ब्रैकेट रूट एच टू एच वन सॉरी रूट एच वन माइनस रूट एच टू, ये माइनस को अंदर ले जाने से इस तरीके से होगा, और ये टू क्या है ऊपर चला जाएगा, टू ए हो जाएगा, अपान में रहेगा सी डी इंटू ए इंटू रूट टू जी। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमें मिलेगा जो कि टाइम रिक्वायर्ड या टाइम टेकन है किसी टंकी को एच वन लेवल से एच टू तक खाली करने में, दिस इज इक्वेशन वन, एच वन लेवल से एच टू तक खाली करने में इतना समय हमें लगेगा। ठीक है, अगर हम पूरा खाली करें तो ये एच वन एच टू का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। फॉर इम्पीटिंग डी टैंक, वो टैंक को पूरा खाली करना है तो क्या होगा, कंप्लीटली खाली करना है तो एच टू का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। तो इस इक्वेशन नंबर 1 से टाइम कितना लगेगा पूरा खाली करना है, टी इज इक्वल टू 2a इन ब्रैकेट रूट एच वन अपान सी डी डॉट ए डॉट टू जी। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमें मिलेगा किसी टंकी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर से नीचे गहराई के साथ एक समान हो, एरिया ए हो, और उसके नीचे तली में ए एरिया का ओरिफिस लगा हो जिसका डिस्चार्ज सी डी हो, है ना, और उसको एच वन गहराई तक पूरा टंकी को खाली करना हो तो इतना समय टी समय लगेगा, है ना। ये इक्वेशन का यूज करके हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये डेरिवेशन आपको क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इससे अगर कोई प्रॉब्लम पूछता है कि टंकी को कितने समय में खाली करें तो इस फॉर्मूले का यूज करके कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, एक टंकी है 10 मीटर लंबी 6 मीटर चौड़ी तथा 1.25 मीटर गहरी, है ना, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें भरे पानी को नीचे लगी द्वारक के द्वारा पूर्णतः खाली किया जाना है, उसके तली में एक द्वारक लगा है, ओरिफिस लगा है, उसके द्वारा खाली करना है। द्वारक का क्षेत्रफल 0.23 मीटर स्क्वायर है, खाली होने की समय की गणना कीजिए यदि सी डी बराबर 0.62 है। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और गहराई दिया हुआ है, मतलब एक बॉक्स शेप में टंकी है। ठीक है, टंकी कैसा है, इस तरीके से ये बॉक्स शेप में है ऐसा। ठीक है, ये लंबाई 10 मीटर, ये चौड़ाई 6 मीटर, और ये ऊंचाई जो है 1.25 मीटर है। ठीक है, अब ये तली है, इसके तली यहाँ पे एक ओरिफिस लगा हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए ये दिया हुआ है 0.23 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से पानी बाहर आएगा, है ना, तो पूरा भरा हुआ है टंकी 1.25 मीटर तक,
तो उसको खाली करने में कितना समय लगेगा, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे टंकी की लंबाई बी दिया हुआ है 10 मीटर, डी चौड़ाई दिया हुआ है 6 मीटर, और स्मॉल एच दिया हुआ है उसका हाइट 1.25 मीटर। ठीक है, अब ये टंकी का जो हाइट है उतना ही पानी भरा हुआ है, तो इसमें एच वन की वैल्यू भी 1.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया हुआ है, कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज दिया है, ओरिफिस का 0.62, ओरिफिस का एरिया दिया है स्मॉल है 0.23 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आपको टंकी का एरिया पता होना चाहिए। इस कैपिटल ए क्या हो जाएगा, ये एरिया कैपिटल ए इज इक्वल टू 10 × 6 मीटर, 60 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब टंकी को खाली होने में लगा समय, खाली होने में लगा समय ये आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2a√h1/cd(a)(2g)। ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान 9.81 मीटर/सेकंड स्क्वायर होता है। सारे वैल्यू हमें पता है, एरिया 2 × a, एरिया 60 है, रूट h1 1.25 मीटर है, अपान cd दिया हुआ है 0.62, स्मॉल a भी दिया है 0.23 × √2g 2 × 9.81। इसको आप कैलकुलेटर की सहायता से कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये टाइम आपको मिलेगा 212.406 सेकेंड, ये सेकेंड में आपको समय मिलेगा। इसको आप आवर और मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 3.454 मिनट ये आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हम कोई भी टंकी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया गहराई के साथ एक समान हो, चाहे बॉक्स हो या सिलेंड्रिकल टंकी हो, उसके लिए ये इक्वेशन यूज करके हम कि उसमें भरे हुए पानी या किसी भी द्रव को खाली करने में लगा समय को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये पूरा वीडियो सीरीज आपको समझ में आया होगा, है ना, कैसे हम टंकी में भरे द्रव को खाली करते हैं, उसके लिए क्या इक्वेशन है, और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।